ज वेलकम टू दिस सेशन दिस इज़ एवल टू वीडियो और आपको पता है कि हम लोग इसल वीडियो में क्या करते हैं सो वी विल गो अड वी विल डिस्कस ऑल दाइन्स ऑफ द एडिटोरियल पेज ऑल द न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेज दिजनस पेज एंड वी विल ट्राई टू लुक एट दर्ल्ड सेक्शन ऑल्सो राइट फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव नॉट बिन मेकिंग दैट हॉरस्कोप वीडियो क्योंकि कुछ काम में बिजी हूँ

Uh, discuss it for you. Now let me go ahead and let me look at this headline. यहाँ पे देखो क्या लिखा है Changing China's conduct. Conduct का मतलब आप समझ लो बिहेवियर कंडक्ट का मतलब बिहेवियर यू नो कि मीटिंग्स को हम कंडक्ट करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम कंडक्ट करते हैं इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं और यहाँ पे कंडक्ट का मतलब हो गया बिहेवियर ऑल इंडिया अडोप्टेड फाइव स्ट्रेटजीज दे हैव नॉट वर्कड येट आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बताने की जरूरत है लेट मी मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन टू बीजिंग अ मैसेज फ्रॉम द सीज कहां से समंदरों से अब देखते हैं कि क्या लिखा है इंडिया एंड द यूएस इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ट अ क्लियर सिग्नल टू चाइना इन द डोमेन वेयर इट इज वॉलरेबल अब ये इन द डोमेन जो लिखा है इसका मतलब हो गया कि इन द फील्ड जिस फील्ड में जिस अरिना में यह वॉलरेबल है वॉलरेबल है मतलब जहां से इसको अटैक किया जा सकता है जहां पर इसकी कमजोरी है आपकी वॉलरेबिलिटी आपकी आपके वीकनेसेस हैं राइट आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट नाउ लेट लुक एट दिस पिक्चर ये अमेरिका का एक बहुत ही आ, माना हुआ वॉरशिप है देखते हैं इस, इसके बारे में क्या लिखा है लुक एट हाउ हीूज इट इज लुक एट जस्ट द नंबर ऑफ प्लेन्स विच है फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट इट कैन कैरी यूएसएस निमित्स इसका नाम क्या है निमित्स ज्वाइंट एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी एंड द पॉसिबल एक्सपेंसन ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज़ मालाबार नेवल एक्सरसाइज़ विल ऐड टू इंडियाज़ स्ट्रेंथ मालाबार एक नेवी का एक्सरसाइज है जो इंडिया और अमेरिका का चलता है और अगर ये इंडिया का कोस्ट है तो आपको पता है कहाँ पर मालाबार है ये जो केरला का रीजन है इसको हम लोग मालाबार बोलते हैं ठीक है और इसके ऊपर के रीजन को हम लोग कोंकण बोलते हैं राइट right. कई बारी पूछा जा चुका है जियोग्राफी में तो जो एक्सपेंशन होगा मालावाड नेवल एक्सरसाइज का वो इंडिया के स्ट्रेंथ में क्या करेगा ऐड करेगा लेट द नेक्स्ट हेडलाइन इट इज टाइम टू मूव इंडियाज हायर एजुकेशन ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ समझाने की जरूरत है द क्रिटिसिज्म डज नॉट होल्ड ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो क्रिटिसिज्म होता है कि दे डू नॉट गिव द क्लास लाइक फील और क्लास वाला प्रोडक्टिविटी इसमें आ पाएगा या नहीं आ पाएगा द क्रिटिसिज्म डज नॉट होल्ड मतलब कि ये जो क्रिटिसिज्म है ऑनलाइन एजुकेशन का ये अब सही नहीं है इफ इफ समथिंग डज नॉट होल्ड दिस मीन्स अब दैट इज़ नो लॉन्गर वैलिड द डिजिटल डिवाइड इज बींग ब्रिच्ड देखो डिजिटल डिवाइड क्या होता है मैंने आपको बताया है कि अर्बन एरिया कोई है यहाँ पे जो सेल कनेक्टिविटी है और रूरल एरिया में जो सेल कनेक्टिविटी है या जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है मेरे ख्याल से तो दोनों में वास्ट डिफरेंस है वही है डिजिटल डिवाइड बोला कि डिजिटल डिवाइज को अब क्या कर दिया गया है ब्रिज कर दिया गया है एंटीक्वेटेड क्लासरूम प्रैक्टिसज कैन बी बरीड एंटीक्विटी आपको पता है ना पुरानी चीज़ तो एंटीक्टेड देखो उसका एडजेक्टिव कैसे बना दिया है कि ऐसे क्लासरूम प्रैक्टिस जो पुराने हो चुके हैं एंटीक्वेटेड हो चुके हैं उनको बरी किया जाए मतलब उनको अब छोड़ दिया जाए सो आई होप यू हैव गॉट अ इंटरेस्टिंग थिंग एंटीक्विटी से क्या बन गया एंटीक्टेड द ट्विन टेल्स ऑफ वैनिशिंग एंटीबॉडीज रॉबर्स टी सेल्स ठीक है ना ट्विन टेल्स मतलब दो कहानियां साथ साथ एक तो रॉबर्ट टी सेल्स टी सेल्स हमारे बॉडी में कुछ होते होंगे जो काफी स्ट्रॉन्ग है इसलिए रॉबर्ट टी सेल्स लिखा है और एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज क्या हो रही हैं वैनिश कर रही हैं ओके नाउ लुक एट दिस हेडलाइन प्रिपेयर फॉर फॉर अनदर वेव ऑफ लोकस्ट अटैक्स ठीक है ना एक और लहर आ सकती है लोह किस चीज़ का किस चीज़ की लहर आ सकती है लोकस्ट अटैक्स की तो उनके लिए आप तैयार हो जाओ इंडिया डिड वेल इन द फर्स्ट वेव पहले लहर में तो इंडिया ने अच्छा किया बट इंस्टीट्यूट सिस्टम्स फॉर द लॉन्ग हॉल ठीक है ना इंस्टीट्यूट को सिस्टमाइज किया जाए किस चीज़ के लिए लंबी रेस के लिए लंबी रेस के लिए क्या लिखा फॉर द लॉन्ग हॉल सो वी विल गो अहेड एंड वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल टूडे सो प्लीज वेट फॉर दिस ियम कु एक्सटेंडेड फॉर समर्स मोराटोरियम ये जो अभी जो करेंट सिचुएशन है आप देख रहे हैं लोगों की अर्निंग्स रुक गई है सो हाउ विल दे पे देर इंस्टॉलमेंट सो गवर्नमेंट हैज सेट दैट गिव रिलैक्सेशन ओके इन पेइंग इंस्टॉलमेंट्स तो ये जो रिलैक्सेशन मिलता है इसी को हम क्या कहते हैं मोराटोरियम कहते हैं सो रिमेंबर दिस वर्ड लोन मोराटोरियम मतलब लोन के ईएमआई पे करने से छूट इस न्यूज में क्या बोला जा रहा है इस हेडलाइन में कि लोन मोराटोरियम जो है वो एक्सटेंड हो सकता है किसके लिए कुछ सेक्टर्स के लिए इसलिए देखो नीचे क्या लिखा है स्पेसिफिक रिलीफ स्पेसिफिक मतलब खास तो किसी खास खास सेक्टर्स में ही रिलीफ मिलेगा इसके नीचे का हेडलाइन देखते हैं जरा क्या कहना चाहता है ये आर बी आई असेसिंग सेक्टर्स मतलब आरबीआई सेक्टर्स की जांच कर रहा है असेसमेंट कर रहा है और किसकी किसका असेसमेंट कर रहा है बोरोवर्स का जो लोन लेने वाले हैं किस चीज के लिए की इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए और राइट नाउ दिस इजैफ दरबीआई हेड क्वार्टर्स एंड आई बिलीव इट इज इन मुंबई जरा देखते हैं कि क्या लिखा है आर बी आई इज ऑफ द व्यू मीन्स आरबीआई ऑफ द ओपिनियन आरबीआई का ये ओपिनियन है दैट सम सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू नीड सपोर्ट फ्रॉम लेंडर्स कुछ सेक्टर्स को तो जरूरत पड़ेगी लेंडर्स से सपोर्ट की क्यों एज द करेंट इकोनॉमिक पेन इज एक्सपेंडेड करंट इकॉनॉमिक पेन इज एक्सपेक्टेड टू लिंगर फॉर देम देखो ये जो इकॉनॉमिक पेन है कुछ सेक्टर्स का वो क्या उम्मीद है उनका कि वो लिंगर करेंगे क्या करेंगे लिंगर करेंगे और मैंने आपको बताया है कोई भी चीज जब लिंगर करेगा तो कुछ देर तक हवा में माहौल में रहेगा जैसे अरोमा या स्मेल लिंगर करता है और राइट right? now let me show you one more important headline here. first of all look at this man, He is economic affairs secretary Tarun Bajaj. economic affairs का secretary कौन है? Tarun Bajaj. and look at what he is saying. India likely to miss budget estimates. जब भी आप budget बनाते हैं तो आप एक साल का पूरा estimate बना लेते हैं उसी को हम बोलते हैं budget estimates. तो इस बार ऐसा लगता है ऐसी संभावना है there is a probability कि India will miss the budget estimates. ठीक है ना आपने देखा कि कोविड के क्राइसिस की वजह से कितने पैसे खर्च हुए और कितनी इकोनॉमिक इकोनॉमिक लिमिटेशंस आ गई इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ गया ओके okay? यहाँ पे देखो क्या लिखा है गवर्नमेंट नॉट मोनेटाइजिंग लियाबिलिटीज लियाबिलिटी का मतलब आपको पता है ना कोई कर्ज या बोझ और मोनेटाइज का मतलब उसका मुद्रीकरण करना अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको सपोज दैट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जाम्पल बी एंड बी एस एन एल इज रनिंग इन लॉस ये लॉस में चल रही है तो ये गवर्नमेंट के लिए क्या बन गया लियाबिलिटी बन गया एंड सपोज दैट गवर्नमेंट ट्राइज टू सेल दिस बी एस एन एल ठीक है ना इन फाइव थाउजेंड क्रोर्स तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया मॉनिटाइज कर दिया सो दैट इज द थिंग नाव लेट मी शो यू वन मोर इंटरेस्टिंग न्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी इंडियन मार्केट एंड आर आर बी आई स्ट्रगल्स टू सोकअप लिक्विडिटी वर्थ एट लैक्स करोर लिक्विडिटी किस चीज़ से बनाइए लिक्विड से अब देखो जिस भी चीज़ को आप कैश की तरह इस्तेमाल कर सकते हो दैट विल बी कंसिडर्ड लिक्विड सपोज दैट मेरे पास पचास रुपये के सेव हैं और उससे मैं पचास रुपये का पेन खरीदना चाहता हूँ कोई शॉपकीपर उसको अलाउ नहीं करेगा लेकिन अगर मैं पचास रुपये दे दूँ तो तुरंत ही मेरे को पेन मिल जाएगा इसका मतलब कैश कैसा काम कर रहा है लिक्विड का, का काम कर रहा है कहीं से भी मतलब लिक्विड की तरफ फ्लो करेगा ये लेकिन वो एप्पल जो है वो लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं कर रहा है समझ गए तो लिक्विडिटी मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में फिनांस के टर्म में लिक्विडिटी का मतलब कैश तो आर बी आई ये टू सोकअप लिक्विडिटी लिक्विडिटी कैश को सोकअप करना चाह रहा है सोकअप समझ रहे हैं ना पानी को कैसे स्पॉन्ज सोकअप कर लेता है आठ लाख करोड़ का मार्केट में कैश हो गया है इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज रुक गई हैं उसकी वजह से और आरबीआई उसको सोकअप करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है ओके एक्स डेलॉयट है सेवन ईयर्स और मैंने आपको बताया था कि बार्ड का मतलब प्रोहिबिटेड फॉर सेवन ईयर्स उनको निकाल दिया गया उनको रोक दिया गया बार कर दिया गया मतलब टू स्टॉप कर दिया गया और डेलॉयट एक कंपनी है कंसल्टेंसी फर्म कंसल्टेशन करता है आपको कोई आइडिया बड़ी बड़ी कंपनीज का ये कंसल्टेंट का काम करता है राइट सो वन मोर न्यूज हियर रिलेटेड टू टेस्ला एंड एलॉन मस्क कल हमने एलॉन मस्क का देखा था कि फॉर्चून में कितना एड किया ओवर नाइट ऑलमोस्ट थर्टीन वन पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर टेस्ला पे वे फॉर एंट्री देखो उसका मार्क प्रशस्त किया मेड द वे फॉर एंट्री इन टू एस एंड पी फाइव हंड्रेड इंडेक्स और टेस्ला और एलॉन मस्क का भी बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा था तो यहाँ पे क्या लिखा है साइलेंसिंग क्रिटिक्स जो आलोचक थे उनको साइलेंट कर दिया आपने इस परफॉर्मेंस से ऑलराइट सो नाउ वी विल गो अहेड एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस आर्टिकल इट्स अ शॉर्ट आर्टिकल सो प्लीज वॉच द कंप्लीट आर्टिकल काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी यहां से लेट मी स्ट्रेट अवे डाइव इनटू इट इन एन एडवाइजरी ऑन जुलाई 21 द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट एडल्टूप एंड स्वर्म्स ऑफ डेजर्ट लोकर्स आर मेच्योरिंग थ्रू आउट राजस्थान एंड दैट सब्सटैंशियल हैचिंग इज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग वीक्स क्या एडवाइज किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचा क्या कहा कि एडल्ट ग्रुप और स्वर्म्स ऑफ डेजर्ट लोकर्स ये मेच्योर हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं पूरे राजस्थान में थ्रू आउट राजस्थान ठीक है ना पूरे राजस्थान में और एक सब्सटैंशियल हैचिंग

तो सेकेंड वेव ऑफ अटैक कुड हैपन अगेन इन द कमिंग मंथ्स आने वाले महीनों में सेकेंड वेव ऑफ अटैक हो सकता है इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वी आर रीडिंग दिस लाइन इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब गुजरात एंड उत्तर प्रदेश हैड टू बैटल मीन्स हैड टू फाइट द स्कोर्ज लुक एट दिस वर्ड ये कई बारी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं क्लास में स्कोर्ज एस सी ओ यू आर जी ई कह रहा है कि सेकेंड वेव में इनको इस स्कोर्स से बैटल करना पड़ेगा मीन्स स्कोर्ज का हम यहां पे क्या तात्पर्य लगा सकते हैं क्या मतलब लगा सकते हैं एनी मेनेस मेनेस तो आपको पता है ना डिस्पाइट बिंग डिस्पाइट बिंग कॉट ऑफ गार्ड देखो ऑफ गाड जब आप किसी चीज के लिए तैयार नहीं रहते हैं वेन यू आर नॉट रेडी वेन यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर एनी थिंग देन यू आर कॉट ऑफ गाड ओके डिस्पाइट बिंग कॉट ऑफ गाड द लास्ट मेजर अटैक वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री में लास्ट मेजर अटैक था और उस समय हम कैसे कॉट हो गए थे ऑफ गार्ड कोई प्रिपरेशन नहीं था द स्टेट्स वेर मॉडरेटली सक्सेसफुल इन टैकलिंग द प्रॉब्लम मॉडरेटली ठीक है ना एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन द स्टेट्स वर मॉडरेटली सक्सेसफुल मतलब आंशिक रूप से बीच बीच में सक्सेसफुल रहे मोटा मोटी सक्सेसफुल प्रॉब्लम को टैकल करने में किस चीज के द्वारा बाई ए स्प्रेइंग ऑर्गेनोफॉस्फेट टू किल लोकस्ट सो दैट वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ द डेजर्ट लोकस्ट इज वन ऑफ ट्वेल्व स्पीसीज ऑफ शॉर्ट हॉर्ड ग्रास हॉपर्स इट्स स्वर्म्स मतलब इट्स इसके ग्रुप्स कैन डे। ये बात समझ में आ गई इनके झुंड में बिलियंस हो सकते हैं और एक दिन में ये एक सौ तीस किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं इच डे अलोकस्ट कैन ईट इट्स ओन वेट जितना इसका अपना भार है वेट है उतना ये एक दिन में खा सकता है कितना है टू ग्राम्स ऑफ फ्रेश वेजिटेशन ठीक है ना कोई भी फसल हो कोई भी वेजिटेशन हो उसका दो ग्राम एक खा लेगा दिस मीन्स दैट दे नॉट ओनली डिवोर स्टैंडिंग क्रॉप्स डिवॉर मतलब इनको चट कर जाते हैं ठीक है ना जब आपको कोई चीज बहुत अच्छा लगे और पूरा खा लेते हैं तो उसको डिवोर कर लेते हैं अब दिस मीन्स डेट दे नॉट ओनली डिवोर स्टैंडिंग क्रॉप्स इसका मतलब स्टैंडिंग क्रॉप्स को सिर्फ नहीं खाते हैं बट कैन ऑल्सो डिस्टेट लाइवलीहुड्स ऑफ दोज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन अब किसान के खेत में फार्म से कहीं जाएगा ठीक है ना स्टोर में जाएगा स्टोर से फिर शॉप में जाएगा तो ये जो स्टोर में जो अनाज रखा है और दूसरी चीज़ें रखी हैं उसको भी ये खा सकता है इसलिए पूरे सप्लाई चेन को डिवास्टेट कर सकता है सिर्फ फार्मर्स को नहीं नाउ दैट द एफ ए हैज इशूड अ वार्निंग द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी बैटल रेडी नॉट जस्ट फॉर दिस राउंड सिर्फ इसी राउंड के लिए नहीं बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर बिकॉज द क्लाइमेट क्राइसिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन सच अटैक फ्यूचर के लिए भी बैटल रेडी हो जाइए क्योंकि ये जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दिस थिंग्स गोइंग ऑन उससे ऐसे इंक्रीज में ऐसे अटैक में इंक्रीज होगा दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट स्ट्रेंगे द लोकेस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को इस चीज को क्या करना चाहिए स्ट्रेंगे करना चाहिए विच वॉज ऑलमोस्ट डिसबैंड जो करीब करीब डिसबैंड हो गया था जिसको करीब करीब निष्क्रिय कर दिया गया था जिसको करीब करीब बैन कर दिया गया था बंद कर दिया गया था बिकॉज नो अटैक हैड हैपन इन टू डिकेट क्योंकि दो डिकेट्स में कोई अटैक ही नहीं हुआ बाई एंश्योरिंग दैट दे स्टाफ सरकार को यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि उनके पास क्या हो पर्याप्त मात्रा में फील्ड स्टाफ स्प्रेयर्स एंड स्प्रे व्हीकल्स

So, guys, that was all in today's video, and I hope you are gaining from it. And if you are gaining, please do give your suggestions, your feedbacks in the comment box. All right, thank you very much for watching.